बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम हैं जी पेंदिक फेरी बोट टर्मिनल पे। पेंदिक फेरी बोट टर्मिनल से आज हम सफ़र करेंगे पेंदिक से येलोवा के लिए। पेंदिक मारमराय रीजन में वाक़ा इस्तांबुल का एक ज़िला है और यहाँ से हम येलोवा प्रोविंस के लिए सफ़र करेंगे। पेंदिक और येलोवा के दरमियान जो सफ़र है फेरी बोट का, ये तकरीबन 45 मिनट का है। येलोवा सूबा तुर्की के नॉर्थ वेस्ट में वाक़ है जी। और अगर आप बात करें येलोवा के लिए जो फेरी बोट मुतारफ़ की गई हैं, ये आपको एशियन साइड से पेंदिक फेरी बोट टर्मिनल से आपको जाना पड़ेगा। और अगर आप यूरोपियन साइड पे रह रहे हैं तो आपको यानी कापी फेरी बोट टर्मिनल से आपको येलोवा के लिए ये फेरी सर्विस मुहैया की जाती है। पेंदिक से इसका जो इसका टिकट है फेरी बोट का, ये 25 टल्ले है, 25 तुर्किश लीरा। और आप 45 मिनट में येलोवा बाई सी पहुँचते हैं। जबकि अगर बात की जाए यानी कापी फेरी बोट टर्मिनल से, तो वो तकरीबन आपको 25 से 35 टल्ले में येलोवा के लिए सफ़र करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त ये जो फेरी बोट है ये पैसेंजर से खाली हो रहा है और गाड़ियां भी यहाँ इस फेरी बोट में लोड की जाती हैं। पैसेंजर जो अपनी कारें वगैरह लेके आते हैं वो भी इस फेरी बोट के ज़रिए दूसरी तरफ जाती हैं। अभी बोर्डिंग का टाइम स्टार्ट हो जाएगा और हम भी इस बड़े फेरी बोट में दाखिल होंगे। ये फेरी बोट तुर्की के इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपलिटी के ज़ेर इंतज़ाम चलता है। इसको आप सेमी गवर्नमेंट फेरी बोट भी कह सकते हैं। और ये फेरी बोट मुख्तलिफ इलाकों से इसके टर्मिनल हैं जो तुर्की के बेशतर इलाकों में साहली इलाकों को टच करते हैं। तो फेरी बोट के ज़रिए आप इस्तांबुल से बुर्सा, बंदाल, इकरदाग और दूसरे इलाकों में सफ़र कर सकते हैं। येलोवा सूबा तुर्की के नॉर्थ वेस्ट में वाक़ है। येलोवा एक छोटा सा सूबा है जिसमें मुख्तलिफ लोग आबाद हैं और माइग्रेशन करके यहाँ पे आबाद हुए हैं। इनमें जॉर्जियन, बोस्नियन, इसके अलावा कुर्दिश और इसके अलावा मुख्तलिफ लोग जो हैं यहाँ पर आबाद हैं। अभी हम बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं जी। ये शिप जो है फेरी बोट, इसके नीचे वाला हिस्सा जो है ये कार या व्हीकल्स जितनी भी हैं इनकी लोडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ से येलोवा के लिए जो व्हीकल्स हैं ये भी दूसरे इलाकों में येलोवा की तरफ जाती हैं। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा जो है ये व्हीकल्स के लिए है और ऊपर वाला हिस्सा मुसाफरों के लिए। अभी हम इंटर हो चुके हैं ये जो सिटिंग हॉल है मुसाफरों के लिए। आइए आपको दिखाते हैं इसका अंदरूनी मंजर, बहुत ही खूबसूरत। ये फेरी बोट है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अंदरूनी मंजर है जी। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी कैंटीन है, आप रिफ़्रेशमेंट के लिए चाय, कॉफ़ी और इसके अलावा मुख्तलिफ जो है सैंडविचेस वगैरह यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और इसके आप फेरी बोट जो है ये तकरीबन यहाँ से 45 मिनट का सफ़र करेगा और ये येलोवा के साहिल पे उतारेगा। बहुत ही खूबसूरत साहली इलाका येलोवा, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं समर सीज़न में इस तरफ रुख करते हैं।
ये जी नीचे का हिस्सा है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं और यहीं से ये गाड़ियाँ दूसरी तरफ से निकल जाएंगी। अभी हम जो है साहिल के करीब पहुँच चुके हैं येलोवा की तरफ, और थोड़ी देर में जो गाड़ियाँ सारी हैं ये ऑफ लोड हो जाएंगी और पैसेंजर भी। ये देख सकते हैं आप, बड़ा शिप है ये, फेरी बोट जो है ये मुख्तलिफ इलाकों में चलता है और इसी तरह गाड़ियाँ और पैसेंजर वगैरह एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं इसके ज़रिए। ये तकरीबन साहिल समुंदर पर पहुँच चुका है। दूसरी तरफ येलोवा का ये टर्मिनल है जहाँ पे ये रुकेगा जी, और इस येलोवा टर्मिनल पे यनिकापी से और एंदिक से येलोवा के लिए जो फेरी बोट्स हैं सर्विस मुहैया कर रहे हैं। आज मौसम थोड़ा सा सर्द है और बारिश भी काफ़ी हो चुकी है इससे पहले, तो ये जी इसका जो है खुल रहा है और यहाँ से हम आप बाहर निकलेंगे। ये आपने सफ़र किया आज एंदिक से येलोवा फेरी टर्मिनल का। ये जी आज की वीडियो थी एंदिक टू येलोवा फेरी बोट टर्मिनल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारी इन तमाम वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया की जा सकें, ताकि जो लोग तुर्की में ट्रैवल प्लान बना रहे हैं आने का, वो इससे पहले मालूमात इकट्ठी कर लें ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़।